₹50 की लाशा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, आज के इस व्लॉग में हलीको ज़मान आपको खुश आमदीद कहता है। आज हम आए हैं इधर वर स्टॉप पे, एक बड़ा मेला सजता है, ऐसे घूमने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। ईद तो वैसे भी जो है ना बच्चों की होती है, इधर तो बड़ा माशाल्लाह ज़ोर शोर लगा पड़ा है बच्चों का और बड़ों का भी, और बड़े ज़बरदस्त अहतमाम किए गए हैं लोगों के लिए, और इधर खिलौने भी मिल रहे हैं, मिठाई भी मिल रही है। और इधर का जो है ना कई सालों से ये मेला सजता हुआ आ रहा है। आज ये मेले आपको दिखाते हैं कैसे किस अंदाज से इन्होंने बनाया हुआ है, झूले भी लगे हुए हैं। तो चलें सरदार भाई आ जाएं। बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है। आपको कैसे? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा। सॉरी यार आपने इंतज़ार किया हमारे लिए, हम थोड़ा लेट हो गए गर्मी की वजह से। तो चलें आगे चलते हैं। नाम क्या है आपका? अच्छा वाह जबरदस्त, क्या इधर घूमने आए? मजा आ रहा है। ये थे हमारे खिलौने और वगैरह वगैरह बच्चों के लिए। अभी हम जाते हैं आपको दिखाते हैं कि इधर खाने के लिए क्या मिलता है, पीने के लिए क्या है, कैसे बनाया जाता है। ये देखें आप। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ ईद मुबारक हूँ, खुश आयो छा है भला खोपरा है। अच्छा किए किलो 400 रुपया महंगो ना है। अच्छा हम आए खीरमा, माशाल्लाह जबरदस्त। ओ ये हमारे ताजे ताजे पकोड़े, ये देख सकते हैं आप कैसे बन रहे हैं। ये देखें आप, ये हमारे मेहमान भी बैठे हुए हैं जो बाहर से आए हुए हैं, बड़े दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, यहाँ का पकौड़ा भी मशहूर है वैसे। ये भाई हमारे बना रहे हैं देख सकते हैं आप। भाई 5-5 रुपये गिलास से एक बात याद आ गया मुझे, कोई एक हमारा दोस्त गया था किसी मेले पे, उन्होंने सोचा कि 5-5 रुपये गिलास आ, उन्होंने समझा कि 5 रुपये गलाक है, 5 रुपया गिलास था, उनसे 5 रुपया गिला के उसने पीता गया वो उसने भी पिया, बाकी अपने दोस्तों को भी पिलाया, तो वो पीते गए उसने बोला 5 रुपया निकाल के उसे दे दिया कि भाई, उसने बोला यार हमारे अभी तक तो 4 घंटे हुए हैं बाकी आपको रियायत है, उसको ये पता नहीं था कि 5 रुपये गिलास बता रहे क्लाक नहीं। अभी हम भी कुछ खाएं पिए, कुछ पहले तो पानी पिए यार, बहुत प्यास लगी हमको। काफ़ी लेट आए हैं आप। हम लेट भी हो चुके हैं, बरहाल हमारे दोस्त भी अभी तक नहीं पहुंचे, वो भी लेट हैं, तो उनके लिए यार पेनल्टी तो ज़रूर होनी चाहिए इस मेले में। तो भाई अभी प्यास जोर शोर से लगी थी, पानी लेके हम पी रहे हैं, अभी दोस्त भी आ गए हमारे। आप लेट पहुँचे हैं, हमने अपनी कार्रवाई कर ली है, अभी बस आपका इंतज़ार। अभी हम इस मेले से एग्जिट करते हुए बस निकल रहे हैं अपने गांव की तरफ।
पर एक कुम्हार बैठता है। कुम्हार आप समझते हैं पता नहीं, कुम्हार उसको बोलते हैं जो जो ना जब किसी की हड्डी टूट जाती है, आर्थोपेडिक के अलावा जो हमारे अताई नहीं बल्कि ये थोड़ा एथलेटिक काम करता है, बड़ा फेमस है हमारे इस इलाके में नवाबशाह के गिरद नवा में, जो हड्डियाँ जो है ना वो जोड़ता है। हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, मगर बस कुदरत की तरफ से इसके पास ये हुनर है। और माशाल्लाह बाकायदे इसने जो काम किए हैं वो हमने खुद देखे हैं। मेरे किसी दोस्त को हुआ था, वो डॉक्टरों ने तो उसको जवाब दिया था मगर उसने बड़ा ज़बरदस्त अच्छा काम किया था उसके घर। आज से पहले पहले अभी हम किसी जगह पे अभी आ खड़े हैं इधर, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा है हमें। इधर ये वाटर बह रहा है, इसका ठंडा पानी, ये देख सकते हैं। वाओ,